हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में सेब का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में सेब कारोबार 4 से 5 हजार करोड़ का होता है। वर्तमान में सेब की खरीद के लिए सेब बहुल इलाकों में स्थापित अस्थायी मंडियों में देश के विभिन्न हिस्सों से खरीदार यानी लदानी आते हैं। इन दिनों ऊपरी क्षेत्र के सेब मंडियों में सेब के दाम बागवानों को आशा अनुरूप मिलने से बागवान खुश हैं। हालांकि इस बार सेब की फसल बीते वर्ष के मुकाबले आधी होने की संभावना है। दूसरा, इस बार कई सेब बहुल इलाकों में ओले की मार भी सेब पर पड़ी है, लेकिन स्थानीय मंडियों में जो सेब अच्छा है उसके दाम अच्छे मिलने लगे हैं। वर्तमान में बढ़िया सेब करीब 3000 प्रति पेटी, जबकि ओले का दागी से 1500 रुपए प्रति पेटी तक बिक रहा है। देश के विभिन्न शहरों से आए खरीदार यानी लदानियों का कहना है कि इस बार सेब की आम पिछले साल से काफी कम है। उनकी सप्लाई भी पिछले साल से आधी रहने की उम्मीद है, लेकिन अच्छे सेब का दाम बागवानों को अच्छा मिल रहा है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में भी सेब के दाम अच्छे रहेंगे। तमिलनाडु मदुरै से सेब लेने आए आनंद मरिकोंडा ने बताया कि वे 15 साल से इस क्षेत्र में सेब लेने आ रहे हैं। वे हर साल 6 से 7 करोड़ का सेब व्यापार करते हैं, लेकिन इस बार सेब कम होने के कारण काम उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन सेब बागवानों को दाम अच्छे मिल रहे हैं। मेरा नाम आनंदन मारिकोंडर, तमिलनाडु से मदुरै से आया। हम पिछले 15 साल से आ रहा हूँ सर। इधर ताज़ा ताज़ा माल मिल रहा है, अच्छा माल मिल रहा है। मैं साल 6-7 करोड़ का व्यापार किया। ये साल थोड़ा माल कम लग रहा है, लेकिन रेट ज़्यादा है, फिर भी अच्छा लग रहा है। नासिक से आए हुए सेब व्यापारी कुशनिक ने बताया कि बीते वर्ष उन्होंने सेब का करीब 20 करोड़ का कारोबार किया। इस बार सेब कम होने के कारण कारोबार कम होगा। पिछले साल काफी अच्छा सेब था। इस बार जिन बागवानों ने अपने बगीचों में ओले से सेब को बचाने के लिए नेट का प्रयोग किया है, उनका सेब अच्छा है, लेकिन बाकी दाग वाला आ रहा है। हम तो महाराष्ट्र से नासिक से आए हुए पीपल हाउस से, और इस साल सीजन इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछले साल यहाँ पे बहुत अच्छा माल आ रहा था, लेकिन इस साल समझो ना पिछले साल से 70% ही माल है। और जो माल आ रहा है समझो नेट से, जो माल आ रहा है नेट के नीचे से, वो अच्छा माल आ रहा है। बल्कि जो नेट नहीं लगाया लोगों ने, वो तो थोड़ा हल्का माल आ रहा है, और लोडिंग में बहुत दिक्कत आ रही है हमको, माल अच्छा। नारकंडा के सेब आरती दिलीप कैंथला ने बताया कि पिछली बार इस मौसम में 7 से 8 हजार पेटी प्रतिदिन उनके पास पहुंच जाता था, लेकिन इस बार 3 से 4 हजार पेटी उन तक पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना से शुरू में डर लग रहा था, लेकिन अब हालात सामान्य हो गए हैं, लोग एहतियात बरत रहे हैं। उन्होंने बताया कि सेब अच्छा 3000 रुपए प्रति पेटी तक बिक रहा है, जबकि ओले की मार वाला 1500 रुपए प्रति पेटी बिक रहा है। लेकिन रेट जो है बहुत अच्छे है, इस चलते हमारे किसान लोग मतलब बहुत ही अच्छे खुश पड़े हैं। जबकि ये लग रहा था पहले तो कि इस बार ही काम होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, लेकिन अब जो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक आ गई है। तो माल तो कम है, पिछले साल हम लोग इस टाइम पे 5 से लेके 8 हजार पेटी बेच रहे थे, अभी हम 3 से लेके 4 हजार के बीच में रहते हैं। डेली जो बेच हाँ जी सर। बागवान मनीष चौहान ने बताया कि उनका सेब 2300 रुपए प्रति बॉक्स बिका, जिसमें स्मॉल मीडियम लार्ज सभी साइज और क्वालिटी यानी गढ़ में बिका। वे इस दर से सेब बिकने के कारण संतुष्ट हैं। मैं 26 का रहने वाला हूं और प्रेमनगर से हूं 26, और मेरा सेब 2300 रुपए बिका है और मैं इससे संतुष्ट हूं। क्या नाम है आपका? मनीष चौहान।